तो ये 106 धारा गौमुख हैं, जो गौमुख से जो धाराएं निकल रही हैं, और एक पाप कुंड एक पुण्य कुंड, कुल मिला के 108 कुंड हैं यहाँ पे। और सारे कुंडों में पानी अपना छिड़क दो या नहा लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपको मुक्ति मिल जाती है। हेलो एवरीवन, जाट ऑन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी हूँ जोमसोम और ये है लोअर मस्टांग का पार्ट। कल शाम को 3 बजे मैं पहुँच गया था जोमसोम, और हमारे दोनों अमर भाई और विशाल भाई वो पीछे लेटे जगह है वहाँ पे अटक गए हैं। और कल पूरी रात भर बारिश आई और वो बता रहे थे कि हमें निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने वहीं पे होटल लेके स्टे किया और मैं यहाँ अकेला था। तो वो अभी शायद 6 बजे चलेंगे, तो 7-7:30 बजे तक अभी पहुँचेंगे। तो अभी 7 तो बज चुके हैं, बस आने वाले होंगे। तो जैसे ही वो आ जाते हैं मैं तैयार हो जाता हूँ, तो हम चलेंगे मुक्तिनाथ टेम्पल, और उसके बाद यहाँ पे एक लेक है, और इसके बाद 2-3 प्लेसेस और भी हैं, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। 360 व्यू दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार, मतलब कि ये चारों तरफ का व्यू है। और हमने जो होटल लिया था लेक साइड व्यू, वो मतलब इसका जो लोकेशन है वो भी बहुत प्यारी है। मेरे सामने ये दिखा देता हूँ, ये एयरपोर्ट का रनवे है, सामने बिल्कुल सामने यहीं पे एयर हवाई जहाज उतरता है। और ये चारों तरफ का व्यू देख लो, ये देखो पहाड़ देखो, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊपर पूरी बर्फ़ है। और हम यहाँ से आए थे, ये रास्ता है, ये पगडंडी, ये होते हुए ये रास्ता है। और ये देखो ये लद्दाख जैसे पहाड़ है पूरे, और ये सीधा निकल जाता है अपना जोमसोम और अपर मस्टांग को ये रास्ता पूरा निकल जाता है। तो बस अब रेडी होते हैं और वेट करते हैं अपने भाइयों का, फिर चलते हैं फिर। बस अभी तो आज का ये प्रोग्राम, और स्टे भी आज हमारा यहीं पे है, जोमसोम में ही है, कल सुबह निकलेंगे फिर। तो अमर भाई और राहुल भाई पहुंच चुके हैं 11 बजे, देखो कितने आराम से आए हैं, और मैं वैसे निकलने ही लगा था, तो वो आ चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के दर्शन करने। कल से काफ़ी रेस्ट हो चुका है, मैं 3 बजे पहुंच गया था, 4:30 बजे चेक इन कर लिया था मैंने, तब से मैं रेस्ट पे ही हूँ। और ये जोमसोम का एयरपोर्ट मेरे सामने, बहुत फ्लाइट आ चुकी हैं, 4-5 फ्लाइट आ चुकी हैं, 2 प्लेन चल रहे हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं जोमसोम सिटी जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे होटल्स की, और जो मैं होटल में रुका हूँ यहाँ पे 1200 रुपये का कमरा देते हैं 3 लोगों के लिए, या आपको 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, अगर खाना पीना डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है उसमें 1500 में नेपाली रुपीस। तो अब सीधे जा रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल, आज आपको दर्शन कराते हैं भगवान विष्णु के। कहीं बारिश ना हो जाए ऊपर, कल मैं यहाँ तक आया था फिर यहाँ से वापसी गया। ये गंदक कालीन रिवर, इसके साथ साथ हम आए हैं गंदक कालीन रिवर के, और ये देखिए बिल्कुल रिवर के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं हम। और ये है मुक्तिनाथ का रास्ता। ये व्यूज देखिए यार, व्यू कितना ब्यूटीफुल है यार, जालिम व्यू है, बिल्कुल लद्दाख फील करा रहा है। सामने देखिए ऐसे लग रहा है हम लद्दाख पहुंच गए हैं, मतलब लद्दाख में बिल्कुल ही बंजर पहाड़ हैं, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहाड़ लगभग सेम है। ये देखिए बिल्कुल साथ में रिवर चल रही है, गंदक रिवर, गंदक काली रिवर, ब्यूटीफुल है यार व्यू। और ये सामने रूट जाना हमने बिल्कुल सीधा, जोमसोम से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पे है अपना मुक्तिनाथ टेम्पल, और मोर देन 1 आवर का समय गूगल भाई बता रहा है, क्योंकि ये रोड देखिए कच्ची रोड है बिल्कुल, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर अगर तारकोल की रोड डल जाए तो हम विद इन हाफ एन आवर में पहुंच सकते हैं वहाँ पे मुक्तिनाथ। व्यू के लिए मैं रुका था थोड़ा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है यार,
और ये सारा पथरीला रास्ता है ऊपर तक, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और रास्ता बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है, नेचुरल ब्यूटी है। ये दो रास्ते आ गए हैं, ये जाता है अपर मस्टांग को कागवेनी होते हुए, और ये जहाँ से मैं निकल रहा हूँ ये जाता है मुक्तिनाथ को। तो अभी हमने जाना है मुक्तिनाथ। ओहो, रोड मिल गई है, शुक्र है रोड बना रखी है इतनी तो। गजब गजब है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी। अभी मैं सेल्फी पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू यार, गजब का नज़ारा, गजब का एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतना ब्यूटीफुल व्यू है। ये देखो सामने देखो, हमने आगे जाना मुक्तिनाथ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलते हैं यार, लेट हो रहे हैं पहले ही। तो मेन मुक्तिनाथ के द्वार पे आ गए हैं, वेलकम टू मुक्तिनाथ टेंपल। और यहाँ पे हमने अपनी बाइक कर दी है पार्क, मौसम हो गया है ख़राब, जल्दी से चलते हैं ऊपर। तो गाइस ये है मुक्तिनाथ का मेन गेट, और इसके बाद स्टेयर्स ऊपर जाती है मुक्तिनाथ मंदिर को। हम पहुँच गए हैं और अपने दोनों भाई नज़र नहीं आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है, तो चलते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं यार, ये देखो कितनी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर तक, और ये खच्चर का रास्ता है, लोग खच्चर से भी ऊपर तक जाते हैं, और जोम सोम से भी खच्चर पे आते हैं, और ट्रैक करके भी लोग आते हैं, पोखरा से भी लोग आते हैं पैदल। साथ चढ़ गए, वो देखो नीचे से आए हम वहाँ से जीने से, और ये रहा है एंट्री गेट। चलते हैं अंदर। तो गए हज़ारों मील सफ़र करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ टेंपल। ये मेरे पीछे है मुक्तिनाथ टेंपल, ये देखिए मेरे पीछे है मुक्तिनाथ टेंपल, और ये है पाप कुंड, ये है पुण्य कुंड। पहले पाप में आप को स्नान करना पड़ेगा, पाप धोने हैं, फिर उसके बाद पुण्य में, और उसके बाद 106 गौमुख पानी से भी आपको स्नान करना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और पानी अपने ऊपर डाल लिया है, तो अभी चलते हैं बुद्धा स्टैचू और ज्वाला माता देवी का मंदिर। अब हम आगे हैं बुद्धा पार्क, और मेरे पीछे है गौतम बुद्धा का स्टैचू, और दोनों धर्म के मैत्री की ये मिसाल है कि यहाँ पे बुद्धा गौतम बुद्धा की भी पूजा की जाती है, साथ में मुक्तिनाथ भगवान की भी पूजा की जा सकती है, दोनों धर्मों की बिल्कुल मतलब कि बहुत ही बढ़िया इनके रिलेशन हैं। इसी तरह सभी धर्मों को सीखना चाहिए इस चीज़ का। और ये दिखा देता हूँ मैं पीछे हेलीपैड, और वहाँ से आए थे हम पीछे से। तो अभी चलते हैं ज्वाला माता देवी के मंदिर में। तो गाइस हम आ गए हैं अब ज्वाला माता मंदिर, तो चलते हैं अंदर। ये है ज्वाला माता मंदिर जो अभी बन ही रहा है, ये देखिए। ज्वाला जी तो दिखाई नहीं मुझे, कोई अंदर की साइड होगा। चलते हैं नीचे अपनी बाइक के पास।